मैं चाहूँगा कि आसिफ मेहदी साहब के साहबजादे यहाँ आए हुए हैं मैं उनको चंद लम्हों के लिए बुलवाऊंगा और आप लोगों तो से बुलवा रहे अली बेटा तशरीफ लाइएगा एक मिनट के लिए ताज़ियत की रेफरेंस है लेकिन ताली बजाने में पाबंदी नहीं है हमारे कोई मजहबी वो ऐसा नहीं है कि पाबंदी कि आप ताली नहीं बजा सकते तालियाँ बजाएं और आसिफ मेहंदी की ये बड़े साहबजादे हैं जाहिर है इनके तो म्यूजिक इंडस्ट्री के हैं ये लेकिन हम सब सारे लोग बेटा आपसे ताजियत करते हैं और आपकी फैमिली पे मेहदी खान साहब की फैमिली बहुत बड़ा इसानिया है कि ये एक साथ बैक टू बैक जो डेथ हुई है पहले आरिफ भाई तो अचानक गए आसिफ भाई की तो बीमारी चल रही लेकिन तीन चार महीने के दरमियान सारा खानदान चला गया कुछ कहोगे सबसे पहले तो असला बाबा ने, मतलब आ, क्या मैं बोलूं कि अचानक से उनकी जब मुझे डॉक्टर ने आके जैसे न्यूज़ वगैरह जैसे दी थी कि भाई अब वो हमें नहीं है तो मतलब मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई थी कि मतलब एक होता है इंसान को कि आपको यकीन नहीं आ रहा मतलब उस वक्त तो यही हाल था मेरा कि मतलब समझ नहीं पा रहा था मैं कि क्या एक्सप्रेस करूं या मम्मा को फ़ोन करके क्या बताऊं बहरहाल उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो उनकी सेहत याबी के लिए पहले दुआ करते रहे फिर उनकी मकफ़रत के लिए दुआ करते रहे और शुक्रिया और अहमद शाह अंकल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मेमोरियल प्रोग्राम आर बाबा बाबा और ख़ुर्शीद अंकल जो हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया तो उसके लिए बहुत थैंक यू आपका और बाबा की जो टीम थी महमूद अंकल सईद अंकल अज़हर अंकल और कमर अंकल जो हैं अल्लाह उनको जन्नत बख्शे उन्होंने हर पूरी दुनिया में बाबा के साथ परफॉर्म किया है हर जगह गए हैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा मैं के मतलब वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह थे मुझसे बहुत प्यार से मिलते हैं अभी भी मिलते हैं ऐसे मिलते हैं जैसे मतलब आ, आ, बड़े जैसे अच्छे तरीके से मिलते हैं बाकी थैंक यू आप सबका बेटा अली ये जितने भी लोग बैठे हैं अहमद साहब समेत ये सब जो तुम्हारे अंकल हैं और हम सब लोग आपके साथ हैं आपकी फैमिली के साथ हैं आपको सबर दे, आपकी फैमिली तो आपकी मम्मी के करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बस एक चीज़ मैं छोटी सी जो है वो ऐड करना चाहूँगा कि मैं एक इंसान है उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बाबा जब स्टार्टिंग में बीमार हुए हम लोगों को पता लगा कि उनको किडनीज का प्रॉब्लम है तो मुझे मम्मा को मेरी सिस्टर को कभी लेट डाउन नहीं होने दिया उसने मेरा कज़न ही है वो और बाबा का शागिर्द भी है और बाबा ने ही उसको नाम दिया था हैदर तो उसका शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा कि मतलब कभी भी हम लोगों को ये फील नहीं होने दिया कि यार ये चीज़ कैसे होगी बस डॉक्टर्स हम लोगों को बोलते थे उसका एक ही आंसर होता था हो जाएगी तो उसका मैं शुक्रिया इस वजह से एंड में कर रहा हूँ कि शुरू से लेके एंड तक उसने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा और एक भाई एक कजन एक बेटा बन के उसने बाबा को दिखाया है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अली और मैं तनवीर आफरीदी का नुमान का आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हजरात तैयार बैठे